आज मैं आपको जो वीडियो बताने वाला हूँ कि जैसे मेरे पास सैमसंग का मोबाइल फ़ोन आया है और इस सैमसंग का मोबाइल फ़ोन डेड है। ये कभी कभी हमारा मोबाइल फ़ोन ऐसा होता है कि हैंग लोगों पे खड़ा हो जाता है, मतलब चालू हो जाता है और चालू होने के बाद सैमसंग लेकर के आता है रुक जाता है। तो हमने एक बार क्या किया कि इसके मोबाइल फ़ोन में सीपीयू में जैसे हीट किया तो पूरा फ़ोन चला, चलने के बाद बंद हो गया। ऐसी प्रॉब्लम आती है कि कभी चलता है कभी नहीं चलता, या ऐसा कस्टमर ने प्रॉब्लम हमको बताया, हमने एक बार देखा भी। तो आज हम दोस्तों जो मैं आज को बताने वाला हूँ कि इसके अंदर जो सीपीयू लगा होता है डबल डेकर सीपीयू लगा होता है। अब जितने भी जो मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं, ज़्यादातर जो सैमसंग के मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं जो एक्सनॉस सीपीयू लगा कर दे रहे हैं या और भी मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं, तो उनके अंदर जो डबल डेकर सीपीयू आ रहा है उसमें सब में एक ही प्रॉब्लम आ रही है कि वो मोबाइल फ़ोन गिरने की वजह से, दबने की वजह से, पटकने की वजह से वो ज़्यादातर डेड हो जाते हैं। यह फ़ोन जैसे ही चलता है तो अपने मन से प्रोसेसर उसका चलते रहते हीट होने लगता है। हीट होने के बाद क्या होता है कि उसके बॉल आपस में सारी मिल जाती हैं और सेट आपका डेड हो जाता है। डेड होने से मोबाइल फ़ोन ऑन नहीं होता, चलता नहीं है, फिर हमारे पास कस्टमर आता है। तो हम लोग आज की वीडियो में जो हम लोग सीखने वाले हैं, ये डबल डेकर सीपीयू को कैसे रिवॉल्व किया जाएगा, उसके माध्यम से मोबाइल फ़ोन को चालू कैसे करेंगे, उसके बारे में आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। ये जैसे मेरे पास डबल डेकर मोबाइल फ़ोन सीपीयू का है, सैमसंग कंपनी का है। सबसे पहले तो हम इसको चालू कर रहे हैं, ये ऑन नहीं हो रहा है। हम लोग क्या करेंगे, इस मोबाइल फ़ोन को खोलेंगे। ये पूरे मोबाइल फ़ोन को खोलेंगे, एक एक करके जितने भी सारे स्क्रू हैं, सारे स्क्रू को हम लोग ओपन करेंगे। फिर इसके अंदर का मदरबोर्ड निकालेंगे, मदरबोर्ड को हम लोग रिबॉलिंग करेंगे। और आज मैं आपको डबल डेकर सीपीयू को कैसे रिबॉल किया जाता है, उसको रिबॉल करने का तरीका क्या है। अब तो डबल डेकर तो छोड़ो, हवाई के मोबाइल फ़ोन ने ट्रिपल डेकर निकाल दिया, मतलब तीन तीन एक साथ लगे हुए हैं। रैम भी लगी है, MMC भी लगा हुआ है, CPU भी लगा हुआ है, लेकिन सैमसंग का जो डबल डेकर का सीरीज है वो मोस्टली सक्सेस नहीं हुआ है। सब मोबाइल फ़ोन में एक ही प्रॉब्लम आ रही है कि फ़ोन गिरने के बाद हैंग लोगो, रीस्टार्ट, ऐसी प्रॉब्लम आती है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस मोबाइल फ़ोन को, पूरा मोबाइल फ़ोन को हम लोग क्या करेंगे, खोलेंगे। इसका सबसे पहली बात, इस फ़ोन को खोलेंगे। मैं आपको पूरा डबल डेकर सीपीयू को कैसे रिवॉल्व किया जाता है पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको वीडियो में पूरा देने वाला हूँ। वीडियो में सब लोग बने रहे, अच्छे से समझें, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपको प्रॉपर आपको नॉलेज मिलेगा, प्रॉपर समझने को मिलेगा, प्रॉपर सीखने को मिलेगा। जैसे आप देखेंगे इसके अंदर ये जो सीपीयू लगा है ये आपका डबल डेकर सीपीयू है। आप सभी को, सर को, सभी लोगों को दिखाइए बोर्ड पर, स्क्रीन पर। तो ये सबसे पहले होती है, इसके चारों तरफ जाली लगी हुई है। हम लोग क्या करेंगे, हमको चाहिए PCB स्टैंड। जिस PCB स्टैंड में हम लोग क्या करेंगे, इसको सेट करेंगे बोर्ड को, और सेट करने के बाद इसके इस जाली को हम लोग क्या करेंगे, हमको रिमूव करना पड़ेगा। ताकि जाली रिमूव करेंगे तभी हमारा CPU फ्री हो पाएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, इस IC को रिबॉल करेंगे। तो दोस्तों ये डबल डेकर सीपीयू है, इसको कैसे उतारा जाएगा, कैसे निकाल करके लगाया जाएगा, ये वीडियो के माध्यम से हम लोग अच्छे से पूरा सीखने वाले एक एक करके। तो हमारे पास PCB स्टैंड है, इस PCB स्टैंड में हम लोग क्या करेंगे, उसको सेट करेंगे। डबल डेकर सीपीयू को रिवॉल्व करने के लिए एक ऐसे लोहे वाले ब्रश की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा हमारे पास ब्रश होना चाहिए। ये क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा काम आता है, देखिए।
डबल डेकर सीपीयू को रिवॉल्व करने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब तक हमारे पास टूल्स अच्छे नहीं होंगे, औजार अच्छे नहीं होंगे, तब तक हम कोई भी काम को बेहतर ढंग से नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेट करेंगे। सीपीयू हमारा इधर लगा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, मदरबोर्ड को टाइट करेंगे। ये मदरबोर्ड हमारा टाइट हो गया है। जैसे आपको सेट करके दिखाता हूँ, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी जाली जो लगी है, जाली को हम आसानी से उतार लेंगे, क्योंकि जब तक हम लोग जाली को नहीं उतार पाएंगे, तब तक हम लोग रिपेयरिंग नहीं कर सकते। तो इस जाली को हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। इस जाली को हटाने के लिए हमको हॉटगन है, हमारी हॉटगन चालू करेंगे। वाला है तो आप लोग परेशान ना हो, एक एक करके पूरा डिटेल में देखें। जितना वीडियो आपको पूरा अच्छे से देखेंगे, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। हम लोग इसकी स्टील की जाली को हटाएंगे, क्योंकि जब स्टील की जाली को हटाएंगे, तभी हमारा सीपीयू क्या हो पाएगा, फ्री हो पाएगा। बोर्ड हिल रहा है, हमको थोड़ा सा दूसरे शेप में इसको सेट करते हैं। हम लोग इसको अच्छे से फिक्स कर लेंगे। अच्छे से फिक्स करने के बाद फिर हम लोग इसकी जाली को उतारेंगे।
तो हम लोग जैसे जाली है, जाली को रिमूव कर दिया है। जाली को रिमूव करने में थोड़ा समय लगता है, आप यहाँ पर जल्दबाजी ना करें वरना आसपास के जो भी सारे कंपोनेंट हैं वो सारे कंपोनेंट मिस हो जाएंगे। मैंने देखे बिल्कुल सेफ्टी से जाली को रिमूव कर दिया है। इसके अंदर ये आपका जो लगा हुआ है इसे हम लोग CPU बोलते हैं, ये आपका जो लगा हुआ है इसको हम लोग MMC बोलते हैं, ये इसका लगा हुआ है चार्जिंग पावर IC लगा हुआ है जो चार्जिंग का काम करता है। तो ये आपका पूरा एक साथ कंप्लीट सेक्शन इसमें लगा हुआ है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो डबल डेकर CPU इस IC को हम लोग उतारेंगे, उतारने के बाद क्या करेंगे इसको रिबॉलिंग करेंगे। कैसे इसको रिबॉलिंग करेंगे, किस तरीके से इसको उतारेंगे, सारा चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा वीडियो में बताता हूँ। यहाँ पर देख लेंगे जब भी आप इसमें जब भी आप IC को उतारेंगे तो आपको उतारने के लिए इसमें ब्लेड से ऐसे IC को उतारना पड़ता है। जब ब्लेड से आप IC को उतारते हैं तो ध्यान रखेंगे ब्लेड आप उस तरफ से डालेंगे जिस तरफ से आपका स्पेस होगा, कंपोनेंट नहीं होंगे, जिस तरफ कंपोनेंट होंगे उस तरफ से आप ब्लेड बिल्कुल नहीं डालेंगे ताकि आप इसको आसानी से उतार सकें और आपको कोई दिक्कत परेशानी ना आए। चलिए हम लोग बात करते हैं कि इसको कैसे उतारेंगे, किसको दिखाता हूँ समझाता हूँ। अबे डबल डेकर CPU को उतारने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे पास कटिंग ब्लेड्स चाहिए। कटिंग ब्लेड्स जो होते हैं इस तरीके से ब्लेड्स आते हैं, ये ब्लेड आते हैं जो आपको इसको उतारने का काम करते हैं। इसको उतारने के लिए सबसे पहली बात है हमारे पास एक बहुत हाई क्वालिटी का मैकेनिक का ये ग्लू रिमूवर आता है। अगर आप देखेंगे मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला, इधर सर स्क्रीन में दिखाइए सभी बच्चों को, ये एक मैकेनिक का हाई क्वालिटी का ग्लू रिमूवर आता है। ये ग्लू रिमूवर के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं IC को पहले हल्का सा लिक्विड डाल देते हैं। तो लिक्विड डालने से क्या होता है कि हमारा IC के अंदर का जो पेस्ट होता है वो पेस्ट फूल जाता है। पेस्ट फूलने से क्या रहता है कि आप IC को बड़ा इजीली उतार पाएंगे और इसके अंदर का जो पेस्ट है वो सारी चीज़ें रफ हो जाएंगी। इसको उतारने के लिए आप देखिए आप इसको चारों तरफ इसको लगा देंगे ऐसे, ये पेस्टेड IC को उतारने के लिए इसको लगाया जाता है। ये बहुत हाई क्वालिटी का एक पेस्ट है, ग्लू है, जो आपको इसको लिक्विड कर ढीला कर देगा। इसके बाद ये देखिए मैंने इसके चारों तरफ ऐसा लगा दिया हुआ है, इसके चारों तरफ ये कंपोनेंट लगे हुए हैं, ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये कैपेसिटर लगे हुए हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कटिंग ब्लेड्स के माध्यम से इसके साइड के जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे फ्री कर लेंगे। फ्री हम लोग इसलिए कर देते हैं ताकि ये जितने भी सारे कंपोनेंट्स हैं जैसे इसमें से पेस्टेड इसमें भी लगा होता है, जब पेस्टेड इसमें लगा होता है तो ये क्या काम करते हैं, ये सारे कंपोनेंट को आपस में पकड़ लेते हैं। जब सारे कंपोनेंट को पकड़ लेते हैं तो उससे दिक्कत ये आती है कि जब हम हॉट गन से हीट करेंगे तो कंपोनेंट भी निकल के आ जाएंगे। हम इसके माध्यम से क्या करेंगे इसकी साइड में जो ब्लेड्स है इसके माध्यम से इसकी कटिंग कर लेते हैं।
ये कटिंग करने का मतलब ये है कि ताकि जबकि आपका आईसी उतरेगा तो आईसी उतरते समय ये कंपोनेंट फ्री हो जाएंगे और ये उसके साथ में नहीं उतरेंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि साइड में जो कंपोनेंट्स होता है वो इधर उधर मिस नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, डबल डेकर सीपीयू को उतारने के लिए सबसे पहले बात हॉट गन से हीट करेंगे और इस ब्लेड को क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे और इसको हम लोग आईसी को उतार करके बाहर रख देंगे। इसको उतारने के लिए हमने जैसे ग्लू लगा दिया, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको उतारेंगे। इसको उतारने के लिए हम लोग एक पेस्ट आता है, उस पेस्ट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। डबल डेकर जो सीपीयू होता है उसमें ऊपर रैम लगा होता है, नीचे सीपीयू लगा होता है। पेस्ट देंगे, लिक्विड पेस्ट है क्या? ये हमारा रैम होता है, ठीक है।
ये सीपीयू निकल करके बाहर आ गया है, ये कनेक्टर जैसे कि आप देखेंगे कनेक्टर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, तो हम लोग क्या करेंगे कनेक्टर को अच्छे से सेट कर देंगे। कनेक्टर को सेट करने के बाद फिर हमारा देखेंगे ये हमारा एमएमसी आईसी है और ये हमारा सीपीयू है। ये आपका सीपीयू है जिसको हम लोग सिलेंडर बोलते हैं, और ये सीपीयू है जहाँ की इसकी बॉले हैं, जो पॉइंट होते हैं इसके कुछ पॉइंट डैमेज हो जाते हैं, तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है क्योंकि इसमें जो एनसी के पॉइंट होते हैं वही डिस्कनेक्ट होते हैं। ये इसकी रैम लगी हुई है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले रैम को साफ करेंगे, रिबॉल करेंगे, फिर सीपीयू को साफ करेंगे, रिबॉल करेंगे, फिर कैसे सेट करेंगे इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो ये हमारी जो आईसी है इसको हम लोग रैम बोलते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे रिबॉल करना सीखेंगे, कैसे इसको रिबॉल करेंगे ये। उसके बाद ये आपका जो सीपीयू लगा हुआ है इसको कैसे रिवॉल्व किया जाएगा, अगर आप देखेंगे इसमें अंदर ये लिखा हुआ है सैमसंग, ये देखिए लिखा हुआ है सैमसंग, हम लोग क्या करेंगे इसको रिवॉल्व करेंगे। इसको रिवॉल्व करने के लिए सबसे पहली बात हमारे पास माइक्रो आयरन होनी चाहिए, आयरन के माध्यम से इसको साफ करेंगे। हम लोग क्या करेंगे इसके जितने भी सारे प्रिंट हैं सारे प्रिंट को क्या करेंगे आयरन के माध्यम से इसको सफ़ा कर लेंगे।
हम लोग क्या करेंगे, साइसी को ऐसा साफ़ कर लिया है, साइसी हमारी पूरी क्लीन हो चुकी है। क्लीन होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सेट करेंगे। अब ये बात है इसकी, अब हम लोग बात करेंगे सीपीयू। सीपीयू को भी साफ़ कर लेंगे ताकि फिर हम सब चीज़ों को एक साथ रिबॉल करेंगे। सबसे पहले इसमें पेस्ट लगा दिया। पेस्ट लगाने के बाद आयरन से क्लीन करना है। हम सीपीयू को जितने पॉइंट हैं सारे पॉइंटों को क्या करेंगे, अच्छे से साफ कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग लिक्विड पेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं।
हमारा सिलेंडर होता है, हम लोग क्या करते हैं सिलेंडर को हमने साफ़ किया है, जहाँ पर हमारी रैम बैठेगी
ये हमारी रैम है। इस रैम को पहले हम लोग पीपीडी लगाने के बाद इसको साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद फिर से हम इसको रिवॉल्व करेंगे। फिर हम लोग बैंड ट्वीज़र लेंगे। बैंड ट्वीज़र से क्या करेंगे, इसको ऐसे प्रेस कर लेंगे। ऐसे सारी पिनों को प्रॉपर तरीके से हम लोग अच्छे से रिवॉल्व कर लेंगे।
वॉइस लेवल वाले पेज का है, मैक्स पम्मा वाला। ये हमने सीपीयू लगा दिया, सीपीयू के बाद अब हम लोग उसमें रैम लगाएंगे। रैम को ऐसे ऊपर रख देंगे, ऊपर रखने के बाद थोड़ा सा ऐसे प्रेस करेंगे, वो देखेंगे अपने सिलेंडर होता है अपने खांचे में बिल्कुल बैठ जाता है। जब तक खांचे पे ना बैठे तब तक आप उसको सेट नहीं करेंगे। मेल होता है सीपू लगना, सीपू लगने के बाद सिलेंडर ऑटोमेटिक उसके ऊपर बैठ जाता है।
इसके बाद चारों तरफ से देख लेंगे बराबर बैठ गया कि नहीं बैठ गया। ये देखिए हमारा डबल डेकर चारों तरफ से बैठ गया है। तो ये हमारा डबल डेकर सीपीयू लग गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से हल्का सा पेस्ट लगाएंगे। पेस्ट लगाने के बाद आईसी को अच्छे से रिसोल्ड करेंगे ताकि हमारी आईसी प्रॉपर तरीके से सोल्ड हो जाए। ये हमारा डबल डेकर सीपीयू प्रॉपर तरीके से रिबॉल होकर के लग गया है। जितने भी सारे मोबाइल फोन आते हैं उन सारे मोबाइल फोन में जो हमारा डबल डेकर सीपीयू आता है, तो डबल डेकर सीपीयू को किस तरीके से रिबॉल किया गया, कैसे रिबॉल करके लगाया, मैंने आज आपको पूरा वीडियो में मैंने आपको समझा हुआ है।
जो सैमसंग के फ़ोन आते हैं हैंग लोगो रीस्टार्ट ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ज़्यादातर डबल डेकर सीपीयू ख़राब हो जाते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। इसकी बैटरी डाउन है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये ऊपर जो लगा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैम बोलते हैं। जो नीचे लगा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं। तो रैम सीपीयू दोनों मिल करके ही हमारे काम करते हैं। और ये जो आपका लगा हुआ इसे बोलते हैं हम लोग एमएमसी आईसी। हम आपको दिखाते हैं, ये आपको पूरा सीपीयू लग चुका है और इसको ऐसा तिरछा करके देखेंगे ताकि आपको प्रॉपर देखेंगे। दोनों तरफ के दोनों पैनल बिल्कुल बराबर लगे होने चाहिए। हम लोग इस तरफ से देखेंगे, देखिए हमारे बराबर लगे हुए हैं। इन सब कामों के लिए हमारे पास माइक्रोस्कोप का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब इतने बारीक से बारीक काम करेंगे, अगर आपके पास माइक्रोस्कोप नहीं होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, बैठाने में लगाने में प्रॉब्लम आएगी। देखिए चारों तरफ से आप बोर्ड का व्यू करेंगे कि आपके जो आईसी है वो प्रॉपर बैठी है कि नहीं बैठी है। ये क्या करेंगे, व्यू करेंगे। तो ये हमारा डबल डेकर सीपीयू हमारा लग चुका है। तो इस तरीके से मोबाइल फ़ोन के बारे में जो भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आपको बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें पूरा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सारी चीज़ें इंक्लूड रहती हैं। तो आज का वीडियो जो मैंने आपको टॉपिक दिया हुआ है थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, क्योंकि मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया हुआ है किस तरीके से डबल डेकर सीपीयू को हम लोग निकालते हैं और कैसे उसके रैम को रिबॉल किया जाता है, कैसे सीपीयू को रिबॉल किया जाता है, कैसे पीसीबी को क्लीन किया जाता है, और कैसे मेन होता है जो रैम और सीपीयू के बीच में जो बीच में गैप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिलेंडर बोलते हैं, कि जहाँ पर आपका जो रैम है सीपीयू के ऊपर लगता है, तो उसको कैसे प्रॉपर तरीके से साफ़ करके सेट किया जाएगा, ये सारा सब कुछ आज दोस्तों मैंने आपको वीडियो में आपको पूरा बताया हुआ है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और किसी भी तरीके से कोई भी अपडेट वीडियो चाहिए तो भी आप नीचे नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ। नीचे स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर 6391711711 पर वीडियो में रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।